एक मियां को एक ही बीवी, एक मियां को एक ही बीवी, चार चार नहीं, तीन तीन नहीं, दो दो नहीं, एक मियां मियां बाहर गया, दूसरा औरत को नहीं देखना, वापिस आके खुद की औरत को ही देखना है। जब मोदी साहब मंगलसूत्र चुरा लिए होंगे तो उनके दिल में एक चोर था, अरे भाई मैं मेरी जोरू का मंगलसूत्र चुरा लिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है निजामाबाद से, इनका नाम है अरविंद धर्मापुरी। एक बड़ी तादाद में माइनॉरिटीज इनको सुनने के वास्ते आए थे, तब ये बोल रहे थे कि एक मियां को एक ही बीवी बोल के, लेकिन एमपी साहब से गुजारिश है प्रज्वल रेवन्ना के बारे में भी बोलिए। और ऑलरेडी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आज कारवान में एक जलसा हो रहा था, तब प्रज्वल रेवन्ना के बारे में आवाज उठाए, क्या आवाज उठाए वो भी आपको वीडियो बताएंगे। और कांग्रेस के लीडर फिरोज खान का भी बयान सामने आया है, वो बयान भी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले जो एमपी है निजामाबाद के, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है। दो तीन दिन से बीजेपी के एमपी का ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा था। ये वीडियो तो इन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट नहीं किया, लेकिन दूसरा वीडियो पोस्ट किया है आज, वो वीडियो देखिए, जिसमें ये ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं, एक शादी की बात कर रहे हैं। अम्मा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ, इससे कोई मुसलमान हिंदुस्तान मुसलमान का लेन देन नहीं है, याद रखिए। झूठे बातें बोल रहे कांग्रेस पार्टी, जो पाकिस्तान से इधर आया, जो अफगानिस्तान से इधर आया, उधर प्रचारित होके आया, उनको यहाँ का सिटीजनशिप देने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। हिंदुस्तानी मुस्लिम का कोई वास्ता नहीं है उससे। इसके बाद एनआरसी आएगा, एनआरसी को भी हिंदुस्तानी मुस्लिम से कोई वास्ता नहीं है। बांग्लादेश से जो मुसलमान इधर आया, रोहिंग्या जो म्यांमार से मुसलमान इधर आया, उनको वापस भेजने के लिए एनआरसी है, हिंदुस्तान मुसलमान के लिए कुछ भी नहीं है, आपको वास्ता ही नहीं है, याद रखिए। तीसरी बात, आप सबसे ज्यादा खुश होते हैं, सुनिए आप, एक ट्रिपल तलाक निकाल दिए खुश हुए ना, ट्रिपल तलाक दिए तो निकाल दिए तो खुश हुए ना मोदी जी, अभी आपको मोदी जी और खुश करेंगे, कैसे? यूनिफॉर्म सिविल कोड ला के, यूनिफॉर्म सिविल कोड आए तो क्या पता है, एक मियां को एक ही बीवी, एक मियां को एक ही बीवी, चार चार नहीं, तीन तीन नहीं, दो दो नहीं, एक मियां मियां बाहर गया, दूसरा औरत को नहीं देखना, वापिस आके खुद की औरत को ही देखना है, याद रखिए। इससे भी आपका सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ता। मुसलमान महिलाओं के लिए अच्छी बात है यूनिफॉर्म सिविल कोड, कोई भारतीय जनता पार्टी मुसलमान के खिलाफ नहीं है। आप 5 लाख का आयुष्मान भारत आप यूटिलाइज कर रहे हैं, आप फ्री राशन आपको भी मिल रहा है, आपको उज्ज्वला का कनेक्शन आपको भी मिल रहा है, देश में 4 करोड़ मकानों में 60 लाख मकान मुसलमानों को दिए है नरेंद्र मोदी जी, आपको वैक्सीन लगाए, वैक्सीन लग गया कोरोना में, वो भी मुसलमान को दिए, सिर्फ हिंदू को नहीं दिए, ऐसा कोई भी स्कीम नहीं है नरेंद्र मोदी का जो सिर्फ हिंदू के लिए है, मुसलमान के लिए नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, कांग्रेस के चक्कर में मत पड़िए, एक कांग्रेस वाले सिर्फ डुबाना जानते हैं, किसी को बचाना नहीं जानते। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है एक मियां एक ही बीवी, यहाँ पे मोहतरमा है, सुनने आप, समझ में आ गया ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब एक मियां एक ही बीवी। धन्यवाद। नाम उसका रेवन्ना, कुछ नाम है रेवन्ना, उसके फोन से 2000 वीडियोस निकले, खवातीन से गंदगी कर रहा हूं, वो बदबख्त 70 साल की बूढ़ी को तक नहीं छोड़ा, पुलिस की एक ऑफिसर है उससे, कोई टीवी के एंकर है, अरे गंदगी गंदगी। और उस शख्स के लिए नरेंद्र मोदी जाके बोलते भाइयों बहनों इसको वोट दे दो। बताओ आप, अगर आपकी बेटी होती, आपकी बहन होती, रिश्तेदार होती, तो क्या गुजर रही होगी उन लोगों पे? अगर सत्ता बनती है तो महिलाओं का मंगलसूत्र उतार कर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? मोदी जी को, अब मोदी जी कांग्रेस और इंडिया अलायंस का बढ़ता हुआ ग्राफ देख के
अब उनको सब्जेक्ट में क्या बात करना समझ में नहीं आ रहा। अब तक सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास जुमलों की सरकार तमाम चीज़ ये लोग बोल दिया। अब एक ही बात मेरे को समझ में आ रही, अगर से बीजेपी की गवर्नमेंट वापस इख्तदारात में आना है तो अब सिर्फ उनको नफरत बात करना है, उनको डिवाइड एंड रूल करना है। मैं बीजेपी और मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, 50-60-70 साल से कांग्रेस किसका तो भी मंगलसूत्र ली, मोदी साहब को मालूम होगा मंगलसूत्र के बारे में, क्योंकि एक ज़माना पहले उनकी बीवी को छोड़ दिया उन्होंने। जब मोदी साहब मंगलसूत्र चुरा लिए होंगे तो उनके दिल में एक चोर था, अरे भाई मैं मेरी जोरू का मंगलसूत्र चुरा लिया, बोल के आप कांग्रेस पे डाल के बोल रहे हैं, ये बातों में कोई बुनियाद नहीं है। आप क्या तरक्की करें आप वो बात करिए, ये मंगलसूत्र की बात बेकार। और आप मेरे को एक बात बोलिए, आप मुसलमानों के ताल्लुक से बात करते कि मुसलमाना बच्चे ज़्यादा पैदा करते, तो मैं आपके इलम के लिए बता दूँ, राइट, बाल ठाकरे साहब 11 भाई बहनों में से एक, अडवाणी साहब 8 भाई बहनों में से एक, तोगड़िया साहब 9 भाइयों में से एक, योगी साहब 7 भाई बहनों में से एक, एंड सोने पे सुहागा हमारे प्रधानमंत्री 6 बच्चों में से एक। अरे भाई तुम्हारी पूरी हिस्ट्री में बता रहा हूँ और तुम लगा बलवा करते कह रहे मुसलमाना ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो अब ये तमाम दुनिया को मालूम पड़ गया, समझ गए ना साहब, ये सुनिए सुनिए, जो लास्ट 10 साल गुजरे ये क्या गुजरे, समझे ना, ये अन्याय काल गुजरा, मित्र काल, जुमला काल, नफरत काल और कुछ भी नहीं है। डिक्टेटरशिप की आप गवर्नमेंट बनाए, डेमोक्रेसी को आप भूल गए, आपके वादे अमल नहीं हुए, आपको जैसा मालूम पड़ा कि 2 फेज़ों के अंदर कांग्रेस और इंडिया अलायंस को ज़्यादा वोट डल गए, आपकी बॉलिंग स्टाइल चेंज कर दिए, आप गुगलियाँ डालना स्टार्ट कर दिए। रही बात खाली आप डेवलपमेंट की बात करना बस, और मैं सिकंदराबाद के हलके के उम्मीदवार किशन रेड्डी तेलंगाना का बीजेपी पार्टी के प्रेसिडेंट को ओपन चैलेंज कि आप डेवलपमेंट में क्या करें बताइए, आप जो टैक्स में पैसा ले रहे हैं आप सिकंदराबाद को क्या दिए, तेलंगाना को क्या दिए। तो आप लोगों को क्या लगता है पिछले 10 साल में बीजेपी ने हैदराबाद के लिए क्या डेवलपमेंट किया, तेलंगाना के लिए क्या डेवलपमेंट किया, अगर आपको कुछ डेवलपमेंट याद है तो कमेंट जरूर करके बताइए आप लोगों की क्या राय इससे मुताल्लिक। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होंगी, अल्लाह हाफिज़।